हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। स्टूडेंट, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, यानी कि जो गॉस जी ने नियम दिया था उनका मैं आपको अनुप्रयोग पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक चादर है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इससे पहले मैंने आपको बताया एक समान रूप से आवेशित, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे तार, ठीक है, वो मैं आपको डेरिवेशन करा चुका हूँ, गॉस का प्रमेय मैं करा चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, तो सबसे पहले हमें इसी के हिसाब से एक चित्र बनाना है, क्योंकि बिना चित्र के आपका डेरिवेशन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चित्र बना लेना है। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ से। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें जो है चित्र को बनाना है, तो हम लोग बना लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हम चादर बना रहे हैं, तो चादर कुछ इस प्रकार से हमारा तो देखिए, ये आपका एक चादर है। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर हमने एक बना ली है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम इसके निकट एक बिंदु P मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु P स्थित है। ठीक है, ये देखिए, ये बिंदु P है। ठीक है, लेकिन जो आपका चादर है, ठीक है, ये बिंदु P है। अब देखिए, यहाँ पर जब हमने बिंदु P मान लिया है, तो यहाँ पर एक ये आपका बिंदु P है, इसका नाम हम दे देते हैं बिंदु P। ठीक है, लेकिन जब हमने इसे मान लिया, तो इसके चारों ओर एक गौसियन पृष्ठ की हमें कल्पना करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक गौसियन पृष्ठ यहाँ पर, थोड़ा आपको और भी अच्छे से बनाना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए गौसियन एक पृष्ठ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखिए, ये एक गौसियन पृष्ठ का हमने यहां पर गौसियन बेलन का, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नाम दे सकते हैं गौसियन बेलन। ठीक है, गौसियन सिलेंडर। तो देखिए, ये आपको करना क्या है, यहां पर कुछ इस प्रकार से ये है आपका है। ठीक है, ये और कुछ इस प्रकार से यहां पर भी आपका बनेगा, क्योंकि इसका जो है दो सिरा होगा। जब आपने बेलन माना है, तो इसका जो इस चादर के निकट जो ये आपका बिंदु P है, ठीक है, ये थोड़ा सा छिप गया है, तो इसको लिख देते हैं बिंदु P। अब इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन इस बेलन के दो सिरे हैं, एक इधर एक इधर, तो हमें क्या करना है, दोनों ओर बिंदु P ले लेना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग ले लेते हैं बिंदु P। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम P डैश। ठीक है, ये P है, ये P डैश है। देखिए, हम एक ही नाम नहीं रख सकते, तो अलग अलग नाम हमने रख दिया है। तो अब हमने क्या किया, एक अनंत समतल चादर हमने बनाया, अचालक चादर, और इसके निकट बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें ज्ञात करना है E वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, हमें इस बेलन का अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया है, तो ये जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा उसकी भी दिशा यही होगी, तो हम इसको मानेंगे डी ए वेक्टर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। अब देखिए, दोनों सिरों पर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी हम ई वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल होगा वो होगा डी ए वेक्टर। ठीक है, डी ए वेक्टर। तो एक चीज याद रखना है आपको, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, वही आपका इस अल्प विद्युत ये जो क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, इसकी दिशा भी वही होगी। तो समझ में आया, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो देखिए, हम एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर दी है। अब आवेशित चादर है, तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस को भर देते हैं। मान लीजिए धनावेशित है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, धनावेशित हमने इस पूरे पृष्ठ को ले लिया है। ठीक है, तो ये धनावेशित है, तो धन आवेश भी इसमें हम लोग
भर देते हैं, ठीक है। धनावेशित है तो धनावेश हमने इसके अंदर कर दिया है। तो ये आपका पूरा चित्र बन चुका है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम हम देंगे गौसीय बेलन, गौसियन बेलन, ठीक है, गौसियन बेलन। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि एक अनंत समतल चादर है जिस जो कि धन आवेशित है, ठीक है। अब इसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके निकट जो बिंदु P है इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक गौसियन बेलन की कल्पना की है, ठीक है। तो इसके दो सिरे होंगे, एक इधर एक इधर, एक P वेक्टर, P डॉट, P डैश, ठीक है। अब क्या है, जो E वेक्टर है और DA वेक्टर है उसकी दिशा एक ही होगी, ठीक है। ई और डी ए वैक्टर की दिशा जो आपकी होगी वो सेम होगी। इसमें भी आपका ई वैक्टर और डी ए वैक्टर की दिशा सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और आप याद रखिएगा कि यदि कोई आवेश क्यू, ठीक है, देखिए ये आवेश क्यू है किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, देखिए ये एक पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल पर अगर एक समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रतिकांत क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व तो कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि उसमें हमने एक रेखा में तार लिया था, इसमें एक पृष्ठ की तरह है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जितने आवेश होंगे उसको हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, इसमें जो है चादर जो है इसका विस्तार अनंत है, क्योंकि हमने अनंत समतल चादर लिया है, ठीक है। अतः जो चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर, इस ओर और इस ओर सभी बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो समान होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नियत रहेगा, ठीक है। तथा दिशा चादर के अवलंबोत बाहर की ओर होगी। देखिए चादर के अवलंबोत ये बाहर की ओर, इसकी दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। अब देखिए यदि इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर गौसियन बेलन के समतल सिरों के लंबवत तथा वक्रीय पृष्ठ के समांतर होगा। अब देखिए हम यहां पर लिखेंगे अतः, अतः बेलन के दोनों सिरों, देखिए बेलन के दो सिरे हैं हमने लिया है, तो बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों सिरों का हमें निकालना है, तो हमें लिखना है फाई इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, ए। देखिए हमें क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो नियत नहीं है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी नियत है। तो हम लोग लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब दो हैं, दो सिरे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और फिर से हम यही लिखेंगे जो हमने लिखा है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, देखिए इस ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का हम लोग समाकलन करेंगे, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए। अब देखिए आपको ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आप यहाँ पर समझिए जो ई वेक्टर है और डी ए वेक्टर है इनके बीच जो कोण है वो कितने डिग्री का है, जीरो डिग्री का। क्योंकि अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता आपका, ये होता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अगर होती डी ए, तो इनके बीच कोण 90 डिग्री होता, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों समांतर हैं, तो इनके बीच जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, जीरो डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस थीटा के जगह पर जीरो डिग्री रख देंगे। तो हमें क्या करना है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे ई डी ए कॉस जीरो डिग्री। अब कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है एक, याद रखिएगा कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है एक। तो हम लोग लिखेंगे ई डी ए, अब एक कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू एक, तो इसका एक से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, प्लस आपका ये भी इतना ही आ जाएगा ई डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं फाई इज इक्वल टू, अब देखिए हमें इस ए का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ई जो है, ई आपका जो है हर बिंदु पर समान है, इसकी वैल्यू ये नियत है। हमें डी ए का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो ये ए है
हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये डी हट जाएगा, आपका फाइनली बचेगा ई ए, ठीक है, प्लस ये आपका क्या होगा, ये भी ई ए बचेगा, ई ए, ठीक है, तो ई ए प्लस ई ए आपका बच जाएगा, क्योंकि जो हमने डी ए का इंटीग्रेशन कर दिया है तो आपका डी हट जाएगा। अब आएगा फाइनली आपका फाइव ई इक्वल टू ई ए, और ई ए जुड़ जाएगा तो टू ई ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर एक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता है, हमें पता है गॉस का प्रमेय, तो हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय में मैंने आपको क्या बताया था, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन जब मैं इसे आपको स्टार्ट करने जा रहा था पढ़ाना, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए इस क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये ए और सिग्मा का गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सिग्मा ए, तो क्यू के स्थान पर हम रख देंगे सिग्मा ए, तो लिख लेते हैं फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक में क्या है, फाई इक्वल टू टू ई ए, और समीकरण दो में है फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई ई के बराबर है टू ई ए, और ये जो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट है ये भी फाई ई के बराबर है, तो हम टू ई ए बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, ठीक है, एक व दो से, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टू ई ए इक्वल टू, टू ई ए इक्वल टू, देखिए ये टू ई ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई निकालेंगे, तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ये ई, ठीक है, ई हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका हो जाएगा सिग्मा ए अपान, ये जो टू और ए है ये इसके नीचे आएगा, तो हम लिखेंगे टू ई, टू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका होता है अनंत सम विस्तार के समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरी तरह से प्रूव्ड हो चुका है। तो क्या ये वीडियो आपको समझ में आया, क्या ये डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, दो सिरे हैं, दो पहले लेना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है, गॉस का प्रमेय लगा देना है, दोनों को कंपेयर कर देना है, इतना आपका आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए।